ऋषभाय नमः। मानतुंगस्वामिने नमः। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, भक्तामर से जीवन में समाधान। भक्तामर इस पंचम काल की औषधि है। पंचम काल में बाहरी परेशानियों से बचाव के लिए एक डिवाइडर है। भक्तामर संकट मोचन काव्य है। इस भक्तामर को समझने के लिए, भक्तामर की साधना से जुड़ने के लिए, इस भक्तामर को आत्मसात करने के लिए हम तिथि की ओर चलते हैं, क्योंकि बिना तिथि के हम तीर्थंकरों के पंचकर्णक को नहीं समझ सकते हैं। जितने भी तीर्थंकर के कल्याणक आते हैं वह तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं। तिथि के अनुसार ही त्योहार मनाए जाते हैं, तिथि के अनुसार ही धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम तिथि से आपको जोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर कहते हैं ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा की एक कला को तिथि कहते हैं। उसमें 12 अंशों की एक तिथि होती है। जब चंद्रमा सूर्य से 12 अंश आगे पहुंच जाता है तब जाकर के एक तिथि होती है। और जब प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक चंद्रमा जाता है तब हम उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जब प्रतिपदा से अमावस की ओर चंद्रमा अस्त हो जाता है तब जाकर के हम उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। दो पक्षों के साथ यह तिथि जुड़ी है। एक महीने में 30 तिथि होती है, जिसे हम प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सृष्टि, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। इसके बाद चंद्रमा पूरा है तो पूर्णिमा है, और चंद्रमा यदि अस्त हो जाता है तब हम कहते हैं अमावस्या है। इस तिथि के अनुसार हम अपने जीवन को कैसे डिवाइड करें, कौन सी तिथि किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है, आपके जीवन में किस तिथि पर किस कार्य को करने से क्या गति क्या प्रगति होती है, यह बात भी ज्योतिष के अंदर कही जाती है। 5 प्रकार से तिथि को जोड़ा गया है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। अब आप कहेंगे कि कैसे इसको जोड़ा जाएगा, तो अब हम गिनना चालू करें। जैसे हम 1 गिनते हैं नंदा, 2 गिनते हैं भद्रा, 3 गिनते हैं तृतीया, गिनते हैं जया, चतुर्थी गिनते हैं रिक्ता और पंचमी गिनते हैं पूर्णा। ऐसे ही सृष्टि गिनते हैं तो नंदा, सप्तमी में भद्रा, अष्टमी में भद्रा, नौमी में रिक्ता। हम तिथि को अब जोड़ करके देखते हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। यहाँ पर हम तिथि को कैसे जोड़ें, कैसे देखें, तो यहाँ पर 1 नंबर जो है जिसे प्रतिपदा कहते हैं, नंदा, दूसरा द्वितीय भद्रा, तीसरा तृतीया में जया, 4 में चतुर्थी में रिक्ता और पंचमी को पूर्णा। ऐसे ही सृष्टि, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। इसके फिर आगे देखिए, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। इस तरीके से आप छोड़ते जाएंगे, 1, 6, 11 नंदा, 2, 7, 12 भद्रा, तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी जया, चतुर्थी, नौमी, चतुर्दशी रिक्ता, पंचमी,
दसवीं और पूर्णिमा तिथि, इसे पूर्णा तिथि कहा जाता है। इस अवसर पर हम देखते हैं इस समय यदि 1/6/11 यदि शुक्रवार आ जाता है तो सिद्धि योग हो जाता है, रविवार और मंगलवार आ जाता है तो यहाँ पर मृत्यु योग हो जाता है। ऐसे ही द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी के दिन यदि बुधवार की जगह शुक्रवार और सोमवार आ जाता है तो हमारे लिए मृत्यु योग हो जाता है। ऐसे ही तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी आता है, उस दिन यदि मंगलवार आ जाए बहुत अच्छा होता है, लेकिन बुधवार आ जाए तो मृत्यु योग हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर चौथ, नौमी, चतुर्दशी, शनिवार आ जाता है तो हमारे लिए बहुत सिद्धि योग हो जाता है। इसी दिन यदि गुरुवार आ जाता है तो हमारे लिए मृत्यु योग हो जाता है। ऐसा ही पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा तिथि, इस दिन यदि गुरुवार आ जाए सर्वार्थ सिद्धि योग हो जाता है। इसी दिन शनिवार आ जाता है तो हमारे लिए मृत्यु योग हो जाता है। इस तिथि के अनुसार आप अपने मुहूर्त को निकाल सकते हैं। इस समय यदि हम कहते हैं नंदा तिथि पर क्या होना चाहिए, जो फोटो खींचना, उत्सव मनाना, आनंद वाले काम करना, मकान बनाना, जड़ी बूटी क्षेत्रों में जाना, तीर्थ यात्राएं करना, दत्त कर्म आदि, हम लोग आनंद के जो कार्य हैं नंदा तिथि में किए जाते हैं। उसके बाद जो भद्रा तिथि आती है, उस भद्रा तिथि में हम सभी लोग वैवाहिक कार्य, आभूषण आदि खरीदना, गाड़ी की सवारी, यात्रा आदि, हम भद्रा तिथि में जिस समय आपके मन एकदम अच्छे रहें, प्रणाम अच्छे रहें, निर्मल रहें, ऐसी भावना हम लोग भद्रा तिथि के अनुसार मनाते हैं। इसके बाद जया तिथि, जय मतलब विजय प्राप्त करने के लिए आपको जाना हो तो संग्राम, परीक्षा देने जाना हो, इंटरव्यू की तैयारी यदि हम कर रहे हैं, किसी से हम बात करने जा रहे हों, कोर्ट में हमारी तारीख हो रही हो, तो हम जया तिथि में जाते हैं तो हमें नियम से सफलता की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद एक रिक्ता तिथि होती है, रिक्ता तिथि होती है ध्यान के लिए, साधना के लिए, एकांत मौन रहने के लिए, जड़ी बूटी के साथ साथ पंडितों से चर्चा करने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए रिक्ता तिथि होती है। और एक होती है तिथि पूर्णा, जो हर कार्य की पूर्णता के लिए, मंगल कार्य के लिए, वैवाहिक कार्य के लिए, यात्रा के लिए, और जब हम किसी भी ग्रह में नवे प्रवेश करते हैं सुख शांति के लिए करते हैं, तो पूर्णा तिथि में यदि काम किए जाएं तो हमें अपने जीवन में सबसे ज़्यादा सफलता की प्राप्ति होती है। भक्तामर की आराधना यदि हमारे परिवार में आनंद का अनुभव हो तो हम नंदा तिथि में कीजिए, सभी के प्रणाम शांत रहें तो भद्रा तिथि में भक्तामर का पाठ प्रारंभ कीजिए। इसके बाद हमारे परिवार में आपस में ही विवाद हो रहे हैं, किसी से बोलचाल नहीं हो रही है, विवाद के साथ साथ बातचीत बंद हो गई है, उस समय आप कोई कार्य जया तिथि में करें। यदि घर छोड़ना चाहते हैं, अकेलापन महसूस करना चाहते हैं, तो आप भक्तामर का पाठ रिक्ता तिथि में कीजिए। यदि आपके जीवन में कोई पूर्णता प्राप्त नहीं हो रही है, हर काम अधूरा है, बीच बीच में आपका काम छूट जाता है, परीक्षा भी देने जाते हैं लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप भक्तामर की साधना पूर्णा तिथि पर करेंगे, नियम से आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ यहाँ पर कहते हैं प्रतिपदा को यदि हम कोई कार्य करते हैं तो आपको सिद्धि देने वाली है। द्वितीया के दिन कार्य करते हैं तो कार्य साधन में सफलता मिलने वाली है। तृतीया के दिन करते हैं, आरोग्य देने वाली है। चतुर्थी के दिन हम लोग पाठ करते हैं, आपके लिए हानिकारक है। इसके बाद पंचमी को शुभ देने वाली है, सृष्टि को अशुभ है। सप्तमी शुभ है, अष्टमी जो व्याधि आ रही है उस व्याधियों का नाश करने वाली है। नौमी तिथि को हम पाठ करते हैं, साधना करते हैं, यह आपको मृत्यु में कारक होती है, इसलिए हम लोग यात्रा के लिए मना करते हैं कि चौथ, नौमी, चतुर्दशी को आप यात्रा का शुभारंभ मना करें। और इसको दसवीं को द्रव्य देने वाली है, धन संपदा, सुख समृद्धि, परिवार में वृद्धि दसवीं तिथि देने वाली है। एकादशी भी आपके लिए शुभ है। द्वादशी सभी प्रकार की सिद्धि देने वाली है। त्रयोदशी सभी प्रकार की सिद्धि देने वाली है। चतुर्दशी है जो उग्र है, स्वभाव में उग्रता लाती है, इसलिए कहते हैं चतुर्दशी को आप मौन रहें, ध्यान करें, साधना करें। पूर्णिमा तिथि
पुष्टि देने वाली है और अमावस्या तिथि आपके लिए अशुभ है। इस तरीके के साथ आप भक्तामर की आत्म साधना कर सकते हैं। तिथि का आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कहते हैं, समय पर डाला गया बीज ही इस भूमि पर फलीभूत हो पाता है। समय पर किया गया कार्य ही आपको सर्व सिद्धि को देने वाला होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, समय के साथ भक्तामर की आराधना करते रहें। यह है आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, सुरक्षा कवच है, लेकिन समय के साथ करें। अब आप कहेंगे, तिथि के बारे में तो नहीं पता है। नहीं पता है तो तिथि की जानकारी हर श्रावक को होना चाहिए। हर व्यक्ति को तिथि के साथ जुड़ना चाहिए। जब जब भी कोई त्यौहार आएंगे आपको तिथि से ही पता चलेगा। जैसे कहते दीपावली है तो दीपावली के समय पता चल जाता है अमावस्या है। रक्षाबंधन है, पता चल जाता है कि पूर्णिमा है। दस लक्षण हैं, अपने आप पता चल जाता है कि यहाँ पर पंचमी से लेकर चतुर्दशी ये त्यौहार का समय है। ऐसे ही कोई भी त्यौहार हो, हर त्यौहार के साथ पूर्णिमा अमावस्या तिथि जुड़ी हुई है। जब श्रुत पंचमी आती है तुरंत आपको पता चलता है कि आज पंचमी तिथि है। ऐसी भावना के साथ यह तिथि भारत की सबसे बड़ी पद्धति होती है। आप इस पद्धति के साथ भक्तामर की आराधना करेंगे, साधना करेंगे, आपको सुख शांति संपदा की प्राप्ति हो सकती है। भक्तामर की साधना के लिए हम शुक्ल पक्ष की तिथि के साथ आत्म साधना का शुभारंभ करते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष की तिथि हमारे जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति का कारक है। हमारे जीवन के सारे कष्टों को मिटाने वाली है। हमारे जीवन में आकाश की ऊंचाइयां देने वाली है। इसलिए जब भी आप भक्तामर की आत्म साधना करें, भक्तामर का पाठ करें, भक्तामर का चिंतन करें, भक्तामर के जो काव्य हैं जो आपके लिए प्रभावशाली बताए हैं, आपके जीवन से जुड़े हुए काव्य हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर बच्चों के लिए कहा जाता है छठवें नंबर काव्य की साधना करें। व्यापारी के लिए कहा जाता है कि व्यापार के लिए 36 नंबर काव्य की साधना करें। मन को एकाग्र करने के लिए कहा जाता है 15 नंबर काव्य की साधना करें। इसके बाद अपने जीवन में राहु और केतु की शांति के लिए कहा जाता है कि भक्तामर के 17, 18 नंबर या 24 नंबर काव्य की साधना करें। तो यह जो काव्य की श्रृंखला बताई गई है, यदि हम इसे शुक्ल पक्ष में शुभारम्भ करते हैं तो जीवन में सबसे जल्दी और ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ जब आप भक्तामर की साधना का शुभारंभ करें तो सबसे पहले समय को ब्रह्म मुहूर्त के रूप में चुनें। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, सुबह से 3 बजे उठकर के आप अपने आप में मन को एकाग्र करके अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से फैला लीजिए। गहरी श्वास लीजिए। गहरी श्वास लेने के बाद जो दिव्य शक्तियां हैं इस ब्रह्मांड में विचरण कर रही हैं उन्हें आप कमांड कीजिए, प्रेयर करके उन्हें आदेशित कीजिए। जो भी आपकी इच्छा है मन में, आदेशित करने के बाद 3 बजे से जितना भी आपके पास समय है उतने समय तक आदेशित करने के बाद थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। विश्राम करने के तुरंत बाद आप 4:15 बजे उठ के बैठ जाइए। बैठने के बाद जो भी शुद्धिकरण है, शुद्धिकरण करने के बाद फिर इसी प्रकार से अपने दोनों हाथों को फैला करके जो प्रेयर हमने 3 बजे की थी उसी प्रेयर को पुनः दोहराइए, बार बार याद कीजिए। बार बार याद करने के बाद फिर दोनों हाथों को इस प्रकार से भगवान के जैसे हाथों पर हाथ रख लीजिए, ध्यान में चले जाइए। ध्यान में जाने के बाद आज्ञा चक्र के पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आप देखिए पूरी गहरी श्वास को लेकर के ध्यान में जाते हुए महसूस कीजिए कि मैंने प्रभु ऋषभदेव की दिव्य शक्ति को इस आज्ञा चक्र पर स्थापित कर लिया है। धीरे धीरे वह दिव्य शक्ति आँखों के मार्ग से, नाक के श्वासों के मार्ग से, मुख के माध्यम से, कान के स्वर के माध्यम से, इस कंठ से हृदय की ओर, हृदय से दोनों हाथों की ओर, हाथों से नाभि की ओर, नाभि से पूरे दोनों कमर, दोनों पैरों की ओर वह ऊर्जा जा रही है। मैं उस ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। महसूस करते जाइए।
ऊर्जा को महसूस करते जाइए। गहरी सांस लेते हुए आपके पूरे शरीर के एक एक कोने में वह दिव्य शक्ति समाहित हो चुकी है। महसूस करते जाइए गहरी सांस लेते हुए। यह जो संगीत स्वर चल रहा है आप उसे आत्मसात करते जाइए। चेहरे पर मुस्कुराहट मुस्कुराहट, गहरी सांस, एकाग्रता के साथ आप जुड़ते जाइए और महसूस कीजिए कि मेरे अंदर भक्त अमर की दिव्य शक्तियाँ समाहित हो रही हैं। आदिनाथ भगवान के प्रभाव से जो शक्ति भक्तामर के रूप में मुझे मिली है वह मेरे पूरे शरीर में समाहित होते जा रही है। मैं उसे महसूस करता जा रहा हूँ बिल्कुल पूरे तन्मयता के साथ। जहाँ आप बैठे हैं बस मेरी जैसी भावना को आप अपने अपने अंदर समाहित करते जाइए और महसूस करते हुए फिर भगवान के जैसे बैठ जाइए। बैठने के तुरंत बाद भक्त अमर के एक एक काव्य को पूरे मनोयोग के साथ पढ़ते जाइए। यदि आपको याद है तो पढ़ते जाइए, आपको बिल्कुल किताब नहीं देखना है। बिल्कुल भूल जाइए कि मुझे किताब से पढ़ना है। बिल्कुल गहरी सांस लेके ध्यान में, यदि याद है तो धीरे धीरे पढ़ते जाइए, याद नहीं है तो आप सीडी लगा करके, कैसेट लगा करके, मोबाइल के माध्यम से आप भक्तामर के काव्य को सुनते जाइए। गहरी सांस लेते हुए सुनते जाइए। जैसे ही पहला काव्य पूरा हो जाए एक सांस लीजिए, दूसरा काव्य पूरा हो जाए फिर एक सांस लीजिए। इस तरीके से आप सांसों के साथ साथ उस भक्तामर को आत्मसात करते जाइए। ये तिथि के अनुसार जब आप भक्तामर के एक एक काव्य को आत्मसात करते जाएंगे तो जिंदगी में जो भी शक्तियाँ इस ब्रह्मांड में घूम रही हैं पॉजिटिव सारी शक्तियाँ आपके साथ हो जाएंगी। जीवन में एक आनंद की अनुभूति आपके अंदर पैदा हो सकती है। ये भक्तामर अपने आप में सबसे बड़ी आपके लिए पूंजी है, आपकी दिव्य शक्ति है। सिर्फ आप इसे तिथि के साथ समय के साथ पढ़ेंगे तो यह भक्तामर आपको हर समय आपका साथ देगा। कहते हैं टाइम वेट्स फॉर नन, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। समय आता है समय के साथ और समय के साथ चला जाता है। तिथि आती है अतिथि बन के आती है, लेकिन आप उसका स्वागत सम्मान करते हो तो यह तिथि आपको भी अतिथि बना देती है। और कहते हैं अतिथि देवोर्भव, हर अतिथि देवता के समान है। तो यह तिथि भी आपके लिए दैविक शक्तियों का काम करेगी और आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करेगी। बस आप समय के साथ भक्तावर की साधना करते रहें। प्रणाम हो।